इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के छोटा बांगरदा क्षेत्र में निर्माण होने वाले MR5 मार्ग के निर्माण में तालाब के आने से क्षेत्रीय रहवासियों ने विरोध तेज कर दिया है, जहां कलेक्टर आशीष सिंह भी इसके निर्माण की जानकारी लेने की बात कर रहे हैं। दरअसल इंदौर के छोटा बांगरदा MR5 सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रहवासियों का कहना है कि सड़क के बीच 40-40 फीट रोड से नाप कर इसका निर्माण किया जाए, लेकिन वर्षों पुराने तालाब की बाउंड्री को तोड़ा जा रहा है। रहवासियों का कहना है कि यह तालाब पानी के बहाव को रोकने में मदद करता है और सड़क निर्माण में नगर निगम द्वारा तालाब की पाल को पूरी तरह से तोड़ दिया है। किसानों का कहना है कि MR5 सड़क निर्माण में छोटा बांगरदा के लगभग सैकड़ों किसान प्रभावित होंगे, जिसको लेकर रहवासी MR5 सड़क का विरोध कर रहे हैं। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि फिलहाल मेरे संज्ञान में इस तरह का मामला नहीं आया है और यदि MR5 निर्माण की जद में तालाब है और उसकी पाल को हटाया जा रहा है तो इसका निरीक्षण किया जाएगा। रहवासियों का कहना है कि MR5 रोड में 400 साल पुराने तालाब को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि यदि तालाब की पाल को भी हटाया जा रहा है, तालाब का पानी पूरे गांव में घुस जाएगा। तालाब का पानी कुएं और बोरिंग में आता है, ऐसे में इसको हटाना न्यायसंगत नहीं है और यदि तालाब की पाल हटती है तो बरसात के समय तालाब का पानी सड़क पर आ जाएगा और सड़क से लोगों के घरों में घुसेगा और खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए सड़क निर्माण में डाली गई सेंट्रल लाइन को लेकर लगातार रहवासी आपत्ति ले रहे हैं। सर, हमारा ये बोलना है कि जो 20 सेंटर जो वर्तमान में जो डामर है, 40 फीट उस तरफ से लिया जाए, 40 फीट इस तरफ से लिया जाए, 20 सेंटर निकाल, 20 सेंटर से करके रोड बनाया जाए। हम MR5 के साथ हैं, रोड बनवाना चाहते हैं हम भी। बाकी हमारे को बस समस्या ये आ रही है कि एक तरफ से ज़्यादा लिया जा रहा है और एक तरफ से कम लिया जा रहा, और बीच में जो तालाब आ रही है, बरसों पुराना हमारा जो तालाब है उसकी पाल खोद दी गई है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। बस प्रशासन से ये हमारी गुजारिश है कि रोड बनाया जाए, हम रोड के साथ हैं और आसपास किसान भी ज़मीन देना चाहते हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ये बोलना है कि आपकी जो वर्तमान में जो डामर रोड बनाया गया है, 40 फीट आप उस तरफ से लें और 40 फीट इस तरफ से लें ताकि किसी का नुकसान ना हो और आपका रोड भी बन जाए और गांव के किसान भी आपके साथ में सब चीज़। लेकिन किसी के साथ अगर कोई गलत होगा तो उसके लिए गांव के किसान भी आगे आएंगे और ये बात आगे तक पहुंचाएंगे। कितनी ज़मीन जा रही है आपकी इसमें? हमारे लोगों के आसपास के किसानों की, बहुत सारे किसानों की ज़मीन जा रही है, जिसमें इस पट्टी के जो भी किसान हैं उनकी सबकी ज़मीन जा रही है। और बिना सोचे समझे रंगोली डालना, बिना सूचित कर रहे किसानों को इतला दी नहीं गई है, ये हम लोगों के साथ गलत हो रहा है। बिना नोटिस भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, मतलब किसी को खबर ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा प्रशासन से और कलेक्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि हमारे हक में इसकी जांच की जाए, कहाँ से रोड़े, अधिकारी जितने भी बड़े सब लोग हैं इसको आके मतलब मौके को समझा जाए। यहाँ पे जो मौके पे रोड बना है उसकी सेंट्रल लाइन हाथों हाथ डाली जाए कि 20 सेंटर से जो पुराना वर्तमान में जो रोड बना है उसकी 40 फीट इस तरफ से बनाई जाए और 40 फीट उस तरफ से बनाई जाए, और 150 फीट का यदि ये बनाते हैं तो मौके पे जो डामर का पुराना रोड है उससे 75 आप इस तरफ लो, 75 आप उस तरफ लो। हम लोग MR5 के अधिकारी हैं, जो भी हैं उनके हम साथ खड़े हैं और जो भी हमसे बनेगा करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं किसी का नुकसान भी नहीं हो और रोड भी बन जाए। ये कलेक्टर साहब से भी हमारा निवेदन है कि हमारी बात को पे ये थोड़ा सा गौर किया जाए ताकि किसी भी आदमी का हम नुकसान नहीं चाहते हैं और आपका रोड भी बन जाए और आसपास के जो किसानों की जमीन जा रही है उस पर भी आपको ध्यान में रखते हुए सब फैसले किया जाए। और जो बरसों का तालाब है जिससे सिंचाई होती है, आज बोरिंग आसपास के कुओं में पानी आता है और पशु पक्षी हैं, तमाम सारी चीज़ें, जो जानवर भी वहाँ पर पानी पीता, तालाब भी नष्ट नहीं किया जाए, तालाब भी सही रहे और रोड भी बनाया जाए। गवर्नमेंट वाटर कंजर्वेशन का काम कर रही है, उस पर ध्यान दे रही है और अभी इनने पूरे तालाब की पाल ख़त्म कर दी। आपके पहले MP छत्तीसगढ़ वाले ने बताया, अब NDTV वाले आए, आप ही देख रहे हो, आपने भी शूटिंग करी,
मछलियां नहीं रहेगी, पंछी पानी क्या पिएंगे। अगर ये कह रहे हैं कि हम कंक्रीट की दीवार बना के दे रहे हैं, तो फिर पहले आप कंक्रीट की दीवार बना के, तो बारिश सिर पे है, पानी तो रुकना ही नहीं, एक ही बारिश में फूट जाएगी वो। कितने ऐसे घर है जो प्रभावित होंगे इससे? यहाँ से लेकर लक्ष्मीवीर मंडी तक कई कॉलोनियाँ हैं जिनके घर नीचे में बने हुए हैं। क्या कहेंगे अभी कलेक्टर वगैरह साहब? कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि वो रोड बना रहे हैं, जनता को दे रहे हैं, सुविधा कर रहे हैं, उनको धन्यवाद। अगर मैं अपनी यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप मिड रोड से दोनों तरफ रोड बनाओ ताकि आपके रोड का काम नहीं रुके। और किसान तो शहर से अपनी ज़मीन देने को तैयार है, शहर के हित में हम ज़मीन देने के लिए तत्पर हैं, पर आप कतिपय लोगों के प्रभाव में आकर अगर एक ही तरफ आप ज़मीन लेंगे तो वो तो अच्छा नहीं है ना। पहले ये आइडिया के उसमें था, आप कौन बना लिया है? अभी ये नगर निगम बना रहा है आइडिया के मैप पे 2015 के सर्वे के अनुसार, पर ये मनमाने ढंग से सेंट्रल लाइन बदल रहे हैं, जबकि पुराने डामर के रोड से इन्हें ईच वे 40 फीट अभी ले रहे हैं, तो वो ले लेना चाहिए, किसान देने को तैयार है। अभी कितना ले रहे हैं? अभी ये 40 फीट बना रहे हैं फिलहाल, तो दोनों तरफ ईच वे 40 फीट में इधर भी और उधर भी 80 फीट 80 फीट तो सिर्फ इस साइड ही हो रहा है, उस साइड नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, सारा इनने सेंटर लाइन बदल दी उत्तर में। क्या लगता है आपको कि सांठगांठ है? बिल्कुल लग रही है, सांठगांठ नहीं होता। सांठगांठ है, क्या लगता है आपसे? अब ये तो देखो अधिकारी आते हैं, नगर निगम के अधिकारी से ही पूछा जाए कि आपने सेंटर लाइन कैसे बदली। आपने अभी तक कलेक्टर या कमिश्नर या निगम के किसी अधिकारी से मिलने गए या कोई आपने? साहब हम तो बहुत पहले एप्लीकेशन दे चुके हैं, कोई जवाब ही नहीं देते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास रिसीव्ड पड़ी है सारी। कब गए थे आप? मेरे को अभी 5-6 दिन पहले तो मैंने एक RTI लगा, इनसे जानकारी मांगी 2015 का सर्वे दिए जाए जो आपने करवाया है TNPC ने, उसके बाद IDN जो सर्वे करवाया TNPC के मैप पे, उसके बाद में आपने अभी तक कितने किसानों की ज़मीन एक्वायर की, उनको मुआवजा कितना दिया, सारा विवरण दिया जाए। तो क्या अभी तक आपसे कोई अधिकारी मिलने तक नहीं आया है? अधिकारी मिलने का कह रहे हो आप, ये तो दादागिरी हो रही है। यहाँ सीधी सेंटर लाइन बदल के आप किसानों की ज़मीन में अंदर तक घुस रहे हो 150 फीट, कई पेड़ काट डाले, कोई कुछ नहीं, किसान से पूछा तक नहीं। क्या करेंगे आगे आप? बस हमारा तो कलेक्टर साहब से प्रशासन से निवेदन है कि आप मिड रोड से रोड मतलब रोड बनाएं दोनों तरफ, 80 फीट बना रहे हैं तो 40-40 फीट इछुए ले दोनों तरफ, हम सारी ज़मीन देने को तैयार है शहर के इतने। और तालाब के पहले अगर ये अधिकारी कह रहे हैं कि हम पहले इसकी कंक्रीट बना देंगे, पानी नहीं पीने देंगे, बारिश सिर पे है, कंक्रीट कब बनाएंगे, रोड तो बना ले पहले, यही तालाब हो जाएगा, खड्डा खोद के रख दिए। तो MR5 पे किस प्रकार से कोई मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, आपके द्वारा ये चीज़ नॉलेज में डाली गई, जांच कराई जाएगी और जो भी उचित होगा वैधानिक होगा वही किया जाएगा। और अगर तालाब है, तालाब की ज़मीन का संरक्षण निश्चित रूप से होना चाहिए, और अगर तालाब की बाल है तो उसका भी प्रयोग बाल के हिसाब से होना चाहिए, जो भी कार्रवाई हुई।